नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जाम के लिए। तो आप सबको पता ही है कि एसएससी सीएचएसएल की डेट आ गई है, तो 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने जा रहा है। तो उसके लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे या फिर जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, वो आज हमने इस वीडियो में डाले हैं। इसकी हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 की, तो उसकी जो प्लेलिस्ट रहेगी कि उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, साथ ही उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें सारी वीडियोस जो होंगी वो एसएससी सीएचएसएल से ही रिलेटेड होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन। तो हुमायूं टॉम्ब जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो रहेगी, जो कि इंडियन कैपिटल रहेगी, वहाँ पे हुमायूं टॉम्ब जो है ये लोकेटेड रहेगा। अब जितने भी टॉम्ब रहेंगे ये आप ज़रूर स्टडी करें, अकबर टॉम्ब हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, शेरशाह सूरी टॉम्ब हो गया, जहांगीर टॉम्ब हो गया, ये सब कहाँ पे लोकेटेड है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन सी स्टेट में रहेगी इंडिया की, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो स्टेट रहेगी इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द बुकर्स प्राइज। तो मैन बुकर्स प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं अपने चैनल पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो है ये पहली भारतीय महिला रहेंगी जिनको कि मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब इनकी जो बुक रहेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी बुक के लिए अरुंधति रॉय को मैन बुकर्स प्राइज मिला था। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो बुक की गई है अरुंधति रॉय के द्वारा, उसके लिए इनको मैन बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो आपको बुक भी याद रखनी है और इनका नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द 17th लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। तो 17वें लोकसभा स्पीकर कौन है भारत के, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओम बिरला। तो ओम बिरला जो है, जो कि अभी करंट टाइम में स्पीकर रहेंगे लोकसभा के, वो 17वें लोकसभा स्पीकर हैं। आपसे 16th भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सुमित्रा महाजन जो है ये 16th लोकसभा स्पीकर रहेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो एडिशन होते हैं, जो नंबर होता है 17th 16th, तो ये आप जरूर स्टडी करें, इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईयर आपको नहीं दिया जाता, तो अगर आपको ऑप्शन में 17, 16 इस टाइप से मिले, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं या फिर गवर्नर हैं, तो ये आपको नंबर भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल रहता है इंडिया का, तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है कोणार्क सन टेम्पल। जो टेम्पल्स की सेपरेट वीडियो रहेगी वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसको कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। जो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक्स के नाम से प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होते हैं, सबकी सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट रहने वाली है, तो आप उसको जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान स्लोगन वॉज गिवन बाय होम। तो जय जवान जय किसान स्लोगन जो दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो जो फ्रीडम फाइटर्स रहेंगे, जो हमारा इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस टाइम पे जो भी मूवमेंट स्टार्ट करे गए थे, कमिटीज बनाई गई थी या फिर जो भी स्लोगन दिए गए थे, वो आपको जरूर पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है इनके द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का स्लोगन। हु इज द राइटर ऑफ द बुक अनटचेबल। अनटचेबल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में। तो अनटचेबल के ऑथर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा अनटचेबल। वेयर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी उनके हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, मेंबर कंट्रीज और करंट टाइम में हेड, ये चार चीज आप जरूर स्टडी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दी हॉग नीदरलैंड। तो दी हॉग जो जगह रहेगी नीदरलैंड में, वहां पे हेडक्वार्टर रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का।
अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि अगर कोई जो जज होता है वो चुना जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो उनका टाइम पीरियड कितने टाइम का होता है। तो 9 साल के लिए जज को चुना जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो ये आपको जरूर याद रखना है, 9 ईयर जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, By which act voting age was reduced from 21 to 18 years? तो most important question रहता है आपके exam के लिए कि कौन सा amendment act रहेगा जिसके through जो voting age होती है उसको 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। तो ये आपके exam में आपको एक बार जरूर मिलेगा question। तो हमारा answer हो जाएगा 61st amendment act। अब आपसे year भी पूछा जाता है तो 1989 में, तो 61st amendment act जो लाया गया था 1989 में उसके through जो वोटिंग एज है उसको घटाकर कर दिया गया था 21 से 18, तो यह आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब मधुबनी पेंटिंग जो होती है ये इंडिया की कौन सी स्टेट से रिलेटेड होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार जो स्टेट रहेगी इंडिया की वहां से रिलेटेड रहेगी मधुबनी पेंटिंग। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जैसे पेंटिंग हो गई, फेस्टिवल्स हो गए, डांसेस हो गए, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड हैं, एक इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो ये क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड जो स्टेट है वहां का एक फेस्टिवल रहता है जिसका नाम रहेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। हु इज द राइटर ऑफ द बुक इंडिका। तो इंडिका जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। अब अगर आपसे इंडिका आप कहीं भी सुने बुक का नाम, तो आपको 3 बुक आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक तो रहेगी इंडिका, एक रहती है अर्थशास्त्र और एक रहेगी पंचतंत्र। ये तीनों बुक जो हैं पुरानी बुक रहेंगी और इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो अगर इंडिका की बात करी जाए तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है ये ऑथर रहेंगे इंडिका बुक के। अब अगर अर्थशास्त्र की बात करी जाए तो वो किसके द्वारा लिखी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, जिनको कि चाणक्य भी बोला जाता है और इनको कौटिल्या के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र। अब अगर आपसे पंचतंत्र की बात करी जाए तो विष्णु शर्मा जो है ये ऑथर रहेंगे पंचतंत्र बुक के। तीनों इंपॉर्टेंट बुक रहती है, एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती हैं, तो आप इनको तीनों को याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब जो कान्हा नेशनल पार्क है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो नेशनल पार्क्स काफी सारे रहते हैं और सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोई फिक्स नहीं होता, कोई भी आपसे नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेशनल पार्क की जो सेपरेट वीडियो रहेगी आप उसको जरूर देखें। ज्यादातर हिंदुस्तान में जितने भी नेशनल पार्क हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन सी स्टेट में है। अब कान्हा नेशनल पार्क की अगर बात करी जाए तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट है वहां पे लोकेटेड है कान्हा नेशनल पार्क। पंचायती राज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच स्टेट इन 1959। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एक तो आपसे ईयर पूछा जाता है कि पंचायती राज हिंदुस्तान में कब लाया गया था, कब लागू करा गया था। तो 1959 में पहली बार लागू करा गया था पंचायती राज को हिंदुस्तान में। फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली स्टेट कौन सी रहेगी जिसमें पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है इंडिया की, यहां पे सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था। कौन से साल में किया गया था, तो 1959 में इंट्रोड्यूस करा गया था पंचायती राज सिस्टम को, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस होता है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 जो रहेगा इसमें बताया गया है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। अब दोस्तों जो आर्टिकल्स रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, उनकी हम सेपरेट वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल हो गए, अमेंडमेंट हो गए, शेड्यूल्स हो गए, इनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल गुंबज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब अगर गोल गुंबज की बात करी जाए तो ये इंडिया की कौन सी स्टेट में रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका जो स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है गोल गुंबज। हु इज द इन्वेंटर स्लैश डिस्कवरर ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो जितनी भी इन्वेंशन रहेंगी, डिस्कवरी रहेंगी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो पोलियो वैक्सीन जो रहेगी, इसकी जो खोज करी गई है, इन्वेंशन करी गई है, ये किसके द्वारा करी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एडवर्ड साल्क। एडवर्ड साल्क जो है ये इन्वेंटर रहेंगे पोलियो वैक्सीन के, पोलियो वैक्सीन की खोज करी गई थी एडवर्ड साल्क के द्वारा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विंड स्पीड, विंड स्पीड जो होती है उसको नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस का यूज करा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम विंड स्पीड को नापते हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेज होते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, साइंस से रिलेटेड रहेगा, तो इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंटर ओलंपिक 2022 आर गोइंग टू हेल्ड इन, तो अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उसके हमने एक एक क्वेश्चन अपनी वीडियो में डाले हैं, तो 20 टॉपिक रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो विंटर ओलंपिक जो रहेंगे 2022 के, ये कहाँ पे होने जा रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजिंग चाइना। तो बीजिंग जो कि कैपिटल है चाइना की, यहाँ पे होने जा रहे हैं विंटर ओलंपिक 2022 के। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम, तो फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम के नाम से किसको जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है इनको फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम साराभाई जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये जो है ये फाउंडर रहेंगे इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। एपीजे अब्दुल कलाम भी फाउंडर्स में ही गिने जाते हैं इसरो के। जी सतीश रेड्डी जो है ये कौन रहेंगे, तो ये डीआरडीओ के अभी करंट टाइम में डायरेक्टर रहेंगे। के सिवान भी आपको ध्यान रखने हैं, अभी करंट टाइम में डायरेक्टर रहेंगे इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। और जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये आपको चारों याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको हमारे चैनल पे, तो आप उसको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट रहेंगी। साथ ही उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है, तो आप उन सभी प्लेलिस्ट को देखें। और खास तौर से जो एसएससी सीएचएसएल की जो प्लेलिस्ट रहेगी, सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें सारी वीडियोस जो होंगी वो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम फोकस्ड होंगी, तो आप उनको जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।